YouTube चैनल कैसे आप सभी होप यू ऑल आर फिट एंड साउंड देयर बीइंग एट योर होम सो प्लीज डू फॉलो ऑल दी मेजर प्रिकॉशंस टू डिफीट कोरोना पेंडेमिक एंड स्टूडेंट्स एज वी नो दैट वैक्सीनेशन इज गोइंग टू बी स्टार्टेड और इट हैज़ बीन स्टार्टेड इन ऑल ओवर इंडिया ओके सो यू नॉट टू बी वरीड अबाउट इट सो हेयर इट्स टाइम टू स्टार्ट The new chapter of your same book that is chapter 21 A Wrong Decision यानी कि किस तरीके से इस चैप्टर में अगर आप कोई गलत फैसला ले लेते हैं गलत निर्णय ले लेते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं that one have to face okay so let us start It was dark outside in a cold winter day. बहुत ही अंधेरा था सर्दियों के दिन थे The telephone was ringing incessantly in the room. और जो टेलीफोन था उसकी बेल लगातार बज रही थी Dr. Benson threw back the covers and sat up on his bed, his feet feeling along the cold floor for his house slippers, the telephone still screeching loud. और जो डॉक्टर बेंसन थे वो अपने बिस्तर में लेटे हुए थे और जैसे ही उन्होंने अपने बिस्तरों को हटाया और फ़ोन की तरफ चलने लगे और फ़ोन अभी भी बज ही रहा था डॉक्टर बेंसन टर्न्ड ऑन द लाइट एंड वॉक टू द फ़ोन डॉक्टर बेंसन ने क्या किया लाइट्स को ऑन किया और फ़ोन की तरफ बढ़ने लगे एंड टुक डाउन द रिसीवर और फ़ोन को रिसीव किया This is Dr. Benson, he said. और फ़ोन उठाते ही जैसे हम अपना इंट्रो देते हैं उसी प्रकार से उन्होंने भी अपना इंट्रो दिया कि मैं कौन हूँ डॉक्टर बेंसन द नवम्बर विंड वॉज ब्रिंगिंग साउंड्स ऑफ विंटर एज इट ब्ल्यू अराउंड द लिटिल वाइट हाउस और वो जो फ़ोन था जिसका भी तो जब वो बात कर रहे थे तो वहाँ से क्या था विंटर जब हवाएं चलती हैं हाँ तो फ़ोन के साथ साथ क्या था हवाएं जब चलती हैं तो साएं साएं की आवाज़ उसमें से आ रही थी द डॉक्टर गॉट इन टू हिज क्लोथ्स और जो डॉक्टर थे वो वापस अपने बिस्तर पर गए ही वेंट टू द टेबल एंड स्टार्टेड अ मोमेंट एट हिज वॉच वो टेबल पर बैठे बैठे वॉच की तरफ उनका ध्यान गया हिज स्पिरिट कंप्लेनिंग एट द जॉब अहेड ऑफ हिम थॉट ही वॉज स्टिल अ यंग मैन 2 o'clock दो बज रहे थे हिज माइंड ऑल्सो कंप्लेंड एट द हॉरिबल आर एंड ही वंडर्ड व्हाई चिल्ड्रन ऑलवेज हैड टू बी बर्न एट सच इम्प्रॉपर टाइम्स ही टुक अप 2 small हैंड बैग्स द शॉर्ट Pillbacks as the people of the town know it and the long obstacle case the baby bag they called it और 2 बजे उनके लिए जो कॉल था वो कहाँ से था उनके जॉब के लिए था डॉक्टर मैंसन स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट टू लाइट अ सिगरेट और थोड़ी देर के लिए उन्होंने इंतज़ार किया और अपनी सिगरेट को जलाया देन पुट द पैक ऑफ सिगरेट्स इन हिज ओवरकोट पॉकेट और उन्होंने सिगरेट का पैकेट कहाँ पर रखा जो उन्होंने ओवरकोट पहना हुआ था दैट वी यूज टू वियर इन द नाइट्स द विंड फेल्ट लाइक अ सर्जन्स नाइफ ऑन हिज फेस एज ही ओपन्ड द डोर एंड रेन और जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो जो ठंडी हवाएं थी वो लग रहा था मानो सर्जन्स जो होते हैं वो ऑपरेट करते हैं पेशेंट को तो वो नाइफ की तरह चुभ रही थी बेंडिंग लो अराउंड द ड्राइव वे टू द गैरेज और वो गैरेज की तरफ भागे हिज कार स्टार्टेड विद डिफिकल्टी कर्व्ड हाफ अ डजन टाइम्स एज ही ड्रोव डाउन द ड्राइव वे बट देन बिगेन टू रन मोर स्मूथली एज ही टर्न डाउन ग्रास स्ट्रीट एंड ऑन टू द डेजर्टेड हाईवे और स्टार्टिंग में कार बड़ी मुश्किल में स्टार्ट हुई और जैसे जैसे वो हाईवे की तरफ बढ़ी तो वो स्मूथली चलने लगी मिसेस ऑट सोल्ले होम डॉक्टर बेंसन वॉज ऑन हिज वे टू विजिट Already had almost a dozen children, but it seemed to the doctor that
never once had she had a baby in good weather nor in daylight. It was a long ride to the Sorley farm, and the sight of a man walking alone along the country road as seen just ahead by the lights of the car. रात को, उतनी रात को कोई भी ट्रैवल नहीं कर रहा था. डॉक्टर बेंसन जो थे वही ड्राइव कर रहे थे और वही ट्रैवल कर रहे थे. वॉज अ वेलकम रिलीफ टू द डॉक्टर. ही स्लोड डाउन एंड लुक्ड एट द मैन वॉकिंग अलोंग विद डिफिकल्टी अगेंस्ट द विंड अ लिटिल पैकेज अंडर हिज आर्म. और उनको उस सुनसान रात में एक व्यक्ति सड़क पर चलता हुआ दिखा जो किनारे चल रहा था, जिससे उनको थोड़ा सा अच्छा लगा और उन्होंने क्या किया, उसको वेलकम किया, अपने कार में लिफ्ट दी कि वो भी हमारे साथ चल सकते हैं. उनके पास छोटा सा पैकेज था, वो अपने बाहों के नीचे दबाए हुए थे. सो स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियोस. सो टेक केयर, हैव अ गुड डे. आई विल बी देयर with the next video. Till then, bye bye, take care, have a good day.